मिला बने हबीब तो महबूब का खिताब मिला। हमारी क्या है सर जो हुजूर की तारीफ कर सके, फिर भी छोटी सी कोशिश, तमाम आशिकाने रसूल से तवज्जो चाहूंगा। मतलब पेशे खिदमत है कि सिवा खुदा के, सिवा खुदा के किसे पता है। माशाल्लाह मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूँ और हमारे नौशे भी अब्दुल्ला साहब तशरीफ फरमाए, बड़े अच्छे मौके पर आए। आपसे भी सुनना चाहूंगा मतले पर नाते पाक के, सिवा खुदा के किसे पता है, सिवा खुदा के किसे पता है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सिवा खुदा के, सिवा खुदा के किसे पता है, सिवा खुदा के किसे पता है, सिवा खुदा के किसे पता है। मेरे नबी का क्या मर्तबा है, मेरे नबी का क्या मर्तबा है, किसे पता है, सिवा खुदा के किसे पता है, सिवा खुदा के किसे पता है। मेरे नबी का क्या मतलब है, 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 कि मेरे नबी का क्या मतलब है। तवज्जो, पहली गिरे पेश कर रहा हूँ हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब आसद अजमेरी, कहते हैं क्या मुश्किल से जो भी रास्ते आसान हो गए, आसान हो गए, आसान हो गए, मुश्किल से जो भी रास्ते आसान हो गए, आसान हो गए, आसान हो गए, दुश्मन ये रंग देख के हैरान हो गए, हैरान हो गए, हैरान हो गए, रखा मेरे रसूल ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे रसूल ने दुनिया में जब कदम, जब कदम रखा मेरे रसूल ने दुनिया में जब कदम, तो पत्थर भी कलम पर के मुसलमान हो गए। मेरे नबी का क्या मतलब है, 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 मेरे नबी का फरमाइश पेश कर रहा हूँ। मुश्किल से जो भी रास्ते आसान हो गए, आसान हो गए, आसान हो गए, दुश्मन ये रंग देख के हैरान हो गए, हैरान हो गए। इंसान हतम आज विनी विलात में मांदा माबू बन, तो फिर न पूछन की है जी कुर्बानी के। शाह साहब चो कि आप बेटा साहब ई चंदा कांगा आ तो के दिल कदी दिया कि कदी ने वेन विलाद किते रसूल अल्लाह जी लंगरी में वेन उत मदीने में वेन इन दिल जी न कोसी उदी कीमत थी दी जति मुस्तफा जो दरबार
उत वनी तो अल्लाह जो रसूल पुछे कि एड़ो की सखी हो कि जेंजा पिंजा दिल दे सखी अल्लाह वेरा ई हुआ कि जो को दुनिया में आन एड़ा सखी वा ये पिंजा दिल पर अल्लाह जी नाम ते दे दिनो ये तो कांग पखी इंशान अल्लाह जी तो ख्वाजा हबीब अजमी ये को अल्लाह जो सच्चो मानू हन जदे खैरा थई अल्लाह जी राह में दिन सच्चाई मथि अचे तो को याद रख जा इंसान ही हलो वे बस किन नहीं दो कनी जोई घर में आवे वी वरे तन के कने आवा के जुलेखा जी है जने अल्लाह जी मोहब्बत समाजे ना तो को बे चीज सामने ने बस एकरी जी ने उन जी मोहब्बत हो तो दुनिया आखिरत बे इंसान जा बेड़ा पार थी ख्वाजा हबीब अजमी पिंजी घर वरी के चेंज कनी के हलाए वी वरे कनी जी मुलाकात थी थी कनी जची सामने उभी सामने चेंज बेटा इंता मुजी बीवी की चो जो को मुजी कनी जन केड़ी वही उनके तो अकल करता त चेंज हुजूर नता सुनो मजा करो ता आऊं ता आजी कने जाया अर्ज करे जे बेटा इनी अकेन दिल में जैसी जे वटा कर उन जी मोहब्बत समाजी वे त बेटा हूं के दिसा सुना न तो उन सो के बस उ ने मुजो मदीने जो मुस्तफा दिसा जी कडे के हुई दुनिया मुके तू तू जे जे हां आजी कने जाया ख्वाजा हबीब अजी में चे कि मुजी दिल में अल्लाह ने रसूल जी मोहब्बत अची ले के सुना ये जेता जी बेटा वी वरे थी आज मुझे करे वे अल्लाह जो हुकुम से तो के आजाद करे ई ख्वाजा हबीब अजमी हाने मंजिल मथे पुगा अल्लाह जने विलायत नवाजे एकड़ी ख्वाजा हबीब अजमी ई बाजार में जा लंगिया के एकड़ी कातिल इंसान के फांसी देने में आवे तो जो को फांसी जे के देनो ते जल्लाद बाजू मुगो उन कातिल फांसी जे हुकुम करे जे हुजूर हबीब अल्लाह जी दरबार में दुआ करो ना अल्लाह मुजा गुनाह माफ करे मुकी जन्नत दे जलाद बाजू में फांसी नो बेर तो ख्वाजा हबीब अजमी उते जो वो बाजार में अने चेतो जे दातार मुकी की सचो बनी करे अर्ज करे आउ तो वटे दुआ करिया तो जे अल्लाह इनके बख्शे वे मुजा खुदा ख्वाजा हबीब दुआ करो अल्लाह जी शान थई हले में दरवेश रवान थई इतरी बार में की जलाद फांसी दिन तैयार थयो मजा करे जलाद मजा करे ये तो के लगी भाई ख्वाजा हबीब जी दुआ हेर तो पूजी बने फांसी दे दिनो लटकी रो दफन करे राचो जलाद सुतो सोणो देसे जलाद जो को फांसी दे ने सोणो देसे ना तो जे के फांसी दे ने वन एकड़ी जन्नत चो बगीचो है जे तख्ते में तो आराम से बैठो इंसान सोणे में देखे पूछे तो जला जी इन हालत में हन तू ही जे ख्वाजा हबीब जी दुआ मुके लगी तो मजा करे थे ये दुआ लगी नर अल्लाह ने बुजुर्ग की दुआ से बख्शी में देने अल्लाह मुके जन्नत दे जलाद ने सपने में डिठे सुबह थियो ने शर्मा मुजे वेजा सीधो ख्वाजा हबीब अज में वनी करे माफी मंगे ये खुदा जी वास्ते मुके माफ कई जा काल आऊं आऊं ते मजा करी थे आई अल्लाह करे दुआ करे ना अल्लाह जी दुआ कबूल करे ने उनके खुदा जन्नत में ला करे आऊं आवटी माफी मंगा तो खुदा जे वास्ते माफ कई जा अल्लाह वाला त हमेशा सोंदा जे माफ दींदल तो दाता रे पर असा बरतो की माफ की ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह जडे न मंजिल मथे विलायत जी मंजिल मथे पुगा हजरत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह जी ई विलायत जी मंजिल जिंदगी हले पे हल्दी हल्दी एकड़ी ख्वाजा हबीब अजमी घरे बैठा वली घरे बैठा अल्लाह जो सच्चो मानू इन जी बीवी चो जे ख्वाजा हबीब के वेनो मल मजूरी करयो बैठा हुदा सिद्ध की चीज मिलदी वेनो मजूरी करा ख्वाजा हबीब अजमी रवाना थया वेनी करे खुदा जी दरबार में बात लगी सांजी जो खाली हथे बाकी आया बीवी पूछे जे पुर गाल है जवाब मिलयो जे जिन मालिक जी जिन सेठ जी कम करयो ई दो दी जो वायदो जी 10 में दी मजूरी मिलदी 10 में दी ठीक है एकड़ो दी करे आया बे दी करे आया त्यो दी थयो सांजो खाली अचे चौथो नी थियो पंज नी थिया अठ नी थिया दो नी जने पूरा थिया ख्वाजा हबीब अल्लाह जी दरबार में अर्ज करे जे मुजा दातार अज दसमू नी है अज वायदो कियो है मुजे घरे रोजीला करे ए अल्लाह अल्लाह ही दे दुआ करो अल्लाह जी शान ख्वाजा हबीब अजमी घरे नपुगा तेथी पहला मुजे रब्बुल आलमीन एकड़ी अटे जी बोरी एकड़ी बकरी ज़बा एकड़ो घी एकड़ो माखी अने 300 दिरहम एकड़े शख्स साथे ख्वाजा हबीब जी अजमी जी घरे जो को से पुजी वे ख्वाजा हबीब अजमी घर मथे विनी के 10 सक देनी इनजी बीवी मां निकरा पुछो जी ही क्या जी शौर जो मुल है जो को आजो घर वालों जो को मजूरी करे तो इनजी मुल मजूरी ले आयो वया वो डसी ने राजी थी कि दो डी जी एडी मजूरी
खैर खाई बना रसी तैयार कर ख्वाजे हबीब आजमी जे साईं जो घरे पुगन तो खुशबू अचे भी घर में जा अन देखो जी खुशबू से सी बीवी बाहर निकले बाहर निकली करे चेती जे मुजा शौर किन सेठ जी मजदूरी करी के तो जो सेठ हैड़ो केरे तो जो हैड़ो हैड़ो नातार ही मजदूरी पूछे जी कोज ही चीज ख्वाब ख्वाजा हबीब आजमी अखे में आंसू हारे ने सजदे में छड़ी रूई करे अर्ज करिया ता जे ए नातार ही तो डोडी क्यों ने हेडो मोल नहीं देने अगर जिंदगी तो जी दरबार में झुकी पे से तो अल्लाह ही अल्लाह मोल में हाने सर सजदे में जा खणी अने पेंजी बीवी की चे तो जी ए मुजी बीवी बियो कोपण सेठ नो बियो कोपण झुको से वडो साखान आ जेंजी मजूरी याने जेंजी करे ते मुजो नातार रब हो जेंजी दरबार में पंज गाना थर झुकायो अल्लाह जी इबादत हुई डोडी अल्लाह जी बात हु करे पर डोडी जो अल्लाह मुल ही देने ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह जी इबादत हुई मुजो रब्बुल आलमीन जल जलाल हो जल शान हो जद इंसान दुनिया के छड़े खुदा ने मुस्तफा जी तरफा जी जा दिल बयान वो अल्लाह ने की कामयाबी जे मंजिल माथे पुजे ही ओ ख्वाजा हबीब अजमी बस वक्त थी तो रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला जने बख्शे तो अल्लाह जा वली घणे मुजो खुदा के का गुनाह से बचाए जे सबब से ओ के जो भलो करे जी सबब से को के मां दे दुआ से अल्लाह वलाई जी मंजिल मथे पुजाए तो अने वली आई अल्लाह जा हुंदा इन दरबार में जदे मंजिल मथे पुजे ता न पिंजी जिंदगी अल्लाह जी राह में ए वक्फ करे छनी ता अने इन जी दरबार मथे जो आयो की कदे पर खाली न वरे पर मंगे जी दी पाकी रीत खपे आइन कमीज आवा के सुनाई अगली बस बात पा घणे घणे अल्लाह जी दरबार में उम्मीद अली शाह बुजुर्ग कन घणे के मिले ने घणे के न मिले ते घणे ये चोंदा जी भई ना इतखामी ना इतखामी आके ख्याल हो तो औरंगजेब आलमगीर एकलो भाषा थियो दरवेश हैन हिंदुस्तान में उ जमाने में एकडोनी ख्वाजा गरीब नवाजी मजार मथे आयो ख्वाजा साहब जी दरबार में आयो ख्वाजा गरीब जी दरबार में एकडोनी अंधो अखी मंगी ना बैठो आइन बैठो अखी मंगे एकडो दुआ मंगे के गांव मुजड़े के रैम पिया से मंगे पे वेदे 2 रुपया वेदे 2 रुपया अंधे देठे जी ही दुआ कासी आइन वेदे 3 सांजी थई ता 2300 ते विचार कर जी हाने बराबर है आयो अखी मंगेला वो पर ही चीज आवई एकडो नी थियो बेन पुरो दुआ मंगे पे मेनू नी जने थे औरंगजेब आलमगीर आयो ख्वाजा साहब जी दरबार में हाजिरी लायो ई बैठो बारा पूछे जी ही अंधो दुनिया जी रे भई इनके तो बिचारी के मेनू नी थियो अखी मंगे पियो घणे अखी मिले ही नहीं औरम जग पर पिन पर अल्लाह भरो पिन पर बुजुर्ग अल्लाह भरो खुदा दात देने वे चे ख्वाजा साहब जी दरबार में बैठो ने इनके अखी न मिले भने ही चले न बने हिंदू वाली गरीब जो अना सागर के कैसे में गिनी के रहे ही जे जी ताकत अन हिंद राज में ता अखी न मिले भने ही जना जरूर मंगे भरे में खामी बेचो जी भी मेनू दे मंगे पे रुए पे उन पर सो जी भाषा आयो तो वदारे डोसक दो सके ये मान पंज पंजा मिले दुनिया वरो भाषा नो औरंगजेब अची करे पूछे तो जी अंदा कितना नी थिया जे हुजूर मेनू नी थियो ख्वाजा साहब जी दरबार रखी मंगा पे जी मुके आखी ख्वाजा दे पर मंगी उती चपे में जा दिल में जा नते है ना दरबार एनी में जा कित कडे न मिले से की पाजी मंगणी चपे में जा दिल में जा मंगो ते निशाला मिले हने चें करो औरंगजेब आलमगीरी जे नेर अंदा आ होजा तू अंदर मजार मथे 15 मिनट लगे के अध कलाक लगे के कलाक निकरे मुके निकरे कलाक लगे आ बा निकरा ते थी पहला अंदा तो जो अखियो खपे ने का तो जो सर कलम करे तो सीधे आऊं ही तो जान दी चमकी हुई याद रख जान चीज के अंधे विचार के जे थई तो खासी इंदा खा और उन जे आलम के अंदर बिया वेनी के अर्धो कला कला लगो से फाका दुरुद पड़ी ई बार चैन थी पहला अंधो हाने सच्ची दिल से दुआ करे अल्लाह वाला सच्ची दिल से दुआ करो अर्ज करे जी अल्लाह हाने तो जान जो सवाल है हाने करे ख्वाजा जी सद की आंखियों न देने तो मुजी जान खतरे में रूई करे सच्चे दिल से दुआ मंगे इनजी दुआ मंगनी पालन हार जी दरबार में दुआ कबूल थी इनजी दुआ पूरी थी और जब आलमगिरी जी बाहर निकलो ना नजर करे तो ख्वाजा साहब जी सद की अल्लाह अंधे की इंदवली गरीब नवाज जी दरबार मथे बिठो है हाने औरंगजेब पूछे तो जे ही अर्ज करे जे ए हुजूर हसी दुनिया जी मतलब मंगे से तने न थियो अज ने सच्ची दिल से मंगे से तो अल्लाह ख्वाजा साहब जी हुकुम से दे दे दीन तो अल्लाह है पर अल्लाह के जी सद है
جی ضروری اجما منگو منگو خدا بیٹا دیندل خدا جی ذات ہے پر اللہ کہے کہ جی صدقے مجھو رب دے تو اتریلا کرے مونجا ماتر بزرگو اللہ ولی جی شان ہے ان کی اللہ بڑا سچا بانا ہے جو کو پنجی زندگی اللہ جی راہ میں ہر چیز قربان مرزادی سائے خانزا پیا سیادی مرزادی سائے की नूरा नी सूर पहला कितने बिगड़े हुए हैं मदीने के भूल करबला तेरी किस्मत पहला ओ सलाम मुस्तफा महबूब का खिताब मिला हमारी क्या है सर जो हुजूर की तारीफ कर सके फिर भी छोटी सी कोशिश तमाम आशिकाने रसूल से तवज्जो चाहूंगा मतलब पेश खिदमत है के सिवा खुदा के सिवा खुदा के किसे पता है मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूँ और हमारे नौशे मियां दूल्हा साहब तशरीफ फरमाए बड़े अच्छे मौके पर आए आपसे भी तो चाहूंगा मतलब और नाते पाक के सिवा खुदा के किसे पता है सिवा खुदा के किसे पता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह किसे पता है सिवा खुदा के किसे पता है सिवा खुदा के किसे पता है मेरे नबी का क्या मर्तबा है मेरे नबी का क्या मर्तबा है किसे पता है सिवा खुदा के किसे पता है सिवा खुदा के किसे पता है मेरे नबी का क्या मर्तबा 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 है
है मेरे नबी का क्या मर्तबा है मेरे नबी का क्या मर्तबा है कि मेरे नबी का क्या मर्तबा है। तवज्जो पहली गिरे पेश कर रहा हूँ हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब आसफ अजमेरी कहते हैं क्या मुश्किल से जो भी रास्ते आसान हो गए आसान हो गए आसान हो गए मुश्किल से जो भी रास्ते आसान हो गए आसान हो गए आसान हो गए दुश्मन ये रंग देख के हैरान हो गए हैरान हो गए हैरान हो गए रखा मेरे रसूल ने दुनिया में जब कदम रखा रसूल ने दुनिया में जब कदम रखा मेरे रसूल ने दुनिया में जब कदम रखा मेरे रसूल ने दुनिया में जब कदम तो पत्थर भी कलम पढ़ के मुसलमान हो गए मेरे नबी का क्या मर्तबा है 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 मेरे नबी का क्या मर्तबा है। दोबारा इस गिरे की फरमाइश पेश कर रहा हूँ मुश्किल से जो भी रास्ते आसान हो गए आसान हो गए आसान हो गए दुश्मन ये रंग देख के हैरान हो गए हैरान हो गए हैरान हो गए रखा मेरे रसूल ने दुनिया में जब कदम रखा मेरे रसूल ने दुनिया में जब कदम रखा मेरे रसूल ने दुनिया में जब कदम तो पत्थर भी कलम पढ़ के मुसलमान हो गए मेरे नबी का क्या मर्तबा है 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 मेरे नबी मेरे नबी का कहते हैं एक ऐसा बेश कीमती पत्थर है जिसकी कोई कीमत नहीं है लेकिन शायर ने क्या मिसाल दी है तब तो जाऊंगा याकूत में हीरों में सितारों की चमक में सितारों की चमक में सितारों की चमक में उस चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा ना मिलेगा कोई चेहरा ना मिलेगा कोई चेहरा ना मिलेगा दुनिया के किसी कोने में तुम ढूंढ लो जाकर दुनिया के किसी कोने में तुम ढूंढ लो जाकर दुनिया के किसी कोने में तुम ढूंढ लो जाकर कोई मेरे सरकार के जैसा न मिलेगा मेरे नबी का क्या मर्तबा है मेरे नबी का मेरे नबी का क्या मर्तबा है 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 रब ने शक्ल अहमद में जलवा दिखा दिया पेशानी आदम ने जब उसको सजा दिया पेशानी आदम ने जब उसको सजा दिया पेशानी आदम ने जब उसको सजा दिया महबूब का खुदा ने यूं रुतबा बढ़ा दिया महबूब का खुदा ने यूं रुतबा बढ़ा दिया महबूब का खुदा ने यूं रुतबा बढ़ा दिया ताजी में सब हूरों मलक को झुका दिया मेरे नबी का क्या मर्तबा है 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 मेरे नबी का क्या मर्तबा है। आज तो दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है माशाल्लाह कंप्यूटर का दौर है घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाता है लेकिन चार मिसरे पेश कर रहा हूँ कि साइंस की ताकत पे जिनको नाज है
साइंस की ताकत पे जिनको नाज है तो आसमां से एक तारा तोड़ दे। साइंस की ताकत पे जिनको नाज है तो आसमां से एक तारा तोड़ दे। मेरे हुजूर सरकारे दो आलम की तरह चांद के दो टुकड़े करे और जोड़ दे। गिरे सुनिएगा। तमाम जिन्नो मलक एहतराम करते हैं, एहतराम करते हैं, एहतराम करते हैं। तमाम जिन्नो मलक एहतराम करते हैं, शजर हजर उन्हें झुककर सलाम करते हैं, झुक सलाम करते हैं, झुक सलाम करते हैं। ये चांद तारे ये सूरज ये आसमां ये जमीन, ये चांद तारे ये सूरज ये आसमां ये जमीन, ये चांद तारे ये सूरज ये आसमां ये जमीन, सभी उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। मेरे नबी का क्या मतलब है, 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 मेरे नबी का क्या मतलब है। आशिकाने रसूल कहता है क्या, किसी मंजिल पे भी सर शर्म से नीचा नहीं होता, नीचा नहीं होता, नीचा नहीं होता। इस ग्रह के लिखने वाले हिंदुस्तान के मशहूर शायर नैयर दमोई कहते हैं क्या, किसी मंजिल पे भी सर शर्म से नीचा नहीं होता, नीचा नहीं होता, नीचा नहीं होता। नबी का, नबी का चाहने वाला कहीं रुसवा नहीं होता, कहीं रुसवा नहीं होता, कहीं रुसवा नहीं होता। अगर साया, अगर साया नहीं है उनके कतरा तो ताज क्यों, अगर साया नहीं है उनके कतरा तो ताज क्यों, अगर साया नहीं है उनके कतरा तो ताज क्यों। मोहम्मद नूर है और नूर का साया नहीं होता। मेरे नबी का रसाई, रसाई मेरे आका की मका से ला मका तक है।